क्या होगा अगर आप एक ही दिन में जवानी से बुढ़ापे का सफर तय कर लो। कुछ ऐसा ही मिस्टीरियस सीन होने वाला है इस खौफनाक मूवी में। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर आपको मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत एक हैप्पी फैमिली प्रिस्का और गाय से होती है, जो अपने दोनों बच्चे ट्रेंट और मेडिक्स के साथ वेकेशन के लिए बीच रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर उनका वेलकम रेस्टोरेंट का ओनर खुद करता है और साथ ही उनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ड्रिंक भी सर्व किया जाता है। सब कुछ इतना कंफर्टेबल और खूबसूरत था कि प्रिस्का को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन भी ऐसे होटल्स मिल सकते हैं, क्योंकि उसने रेंडमली ही इस होटल को सिलेक्ट कर लिया था। दरअसल इन वेकेशन के बाद वो गाय को डिवोर्स देने वाली थी। बिसाइड प्रिस्का को ट्यूमर भी था, इसलिए वो इस ट्रिप के जरिए अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहती थी। पेरेंट और मेडिक्स को भी ये रिजॉर्ट बहुत पसंद आता है। यहाँ का एंटरटेनमेंट अलग अलग कुजीन के अलावा यहाँ पर एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, जिसमें लोगों की डाइट और मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी फूड अवेलेबल था। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टाइम रिजॉर्ट मैनेजर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पास ही में एक प्राइवेट बीच है, जिसके लिए उन्होंने गिने चुने लोगों को चुना है। ये सुनकर ही बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और साथ ही सब लोग बीच के लिए निकल पड़ते हैं। उस बस में एक और फैमिली थी, क्रिस्टल, उसका हस्बैंड चार्ल्स और उनकी प्यारी सी बेटी कारा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बच्चों को एक खूबसूरत से बीच पर खेलते हुए देखते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था कि लिटरली उन्हें गूज़बम्स आ रहे थे, पर यहाँ पर कुछ तो मिस्टीरियस चल रहा था जिसपे शायद अब तक किसी अडल्ट का ध्यान नहीं गया। कारा और मेडिक्स को यहाँ पर बहुत सारे रोस्टर नाइफ्स मिलते हैं और साथ ही कुछ और भी सामान, जिससे किसी दूसरे इंसान को चोट पहुँचाया जा सके। उन्हें लगता है कि शायद लास्ट टाइम जो लोग यहाँ पर आए होंगे ये सामान उनका है, मगर एक बात सोचने वाली है कि वो ये सामान यहाँ पर क्यों छोड़ेंगे। इसके बाद बच्चों को बहुत तेज भूख लगने लग जाती है और उधर क्रिस्टल का डॉग कंटिन्यूसली भौंके जा रहा था, तभी सबको ट्रेंट के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब सब लोग वहां जाकर देखते हैं तो पानी में एक लड़की की लाश तैर रही थी, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। सबको लग रहा था कि ये मर्डर सैडन ने किया है, जो कि इनके आने से पहले ही बीच पर मौजूद था। तो सैडन कहता है कि वो उस लड़की के साथ ही इस बीच पर आया था, पर स्विम करते करते वो कहीं गायब हो गई थी। यहाँ पर किसी को भी सैडन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके नाक में से खून निकल रहा था, जिसलिए सबको लग रहा था कि शायद सैडन जब उस विक्टिम लड़की को मार रहा था उसी दौरान उसे ये चोट मिला है। इसलिए वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पर वहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं होता। इसके बाद वहाँ पर एक और कपल पैट्रिसा और जेरिन आ जाते हैं। पूरी कहानी जानने के बाद जेरिन पुलिस को कॉल करता है, पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। एक पॉइंट तक पहुँचने के बाद उसके सर में अजीब तरीके का प्रेशर फील होता है, से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स की माँ एग्नेस की मौत हो जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सभी का मूड बर्बाद हो चुका था, क्योंकि इनको यहाँ पर आए हुए अभी सिर्फ 3 घंटे हुए थे और यहाँ पर 2 मौतें हो गई थी, वो भी ऐसे अचानक से। सबका इस सिचुएशन में एडजस्ट हो पाना मुश्किल था, स्पेशली बच्चों के लिए। पैट्रिसा अज्यूम करती है कि बच्चे यहाँ पर नहीं है, तभी वहाँ पर 2 टीनेजर आते हैं और पैट्रिसा के गले लगकर उसे मॉम कहकर बुलाते हैं, जिन्हें देखकर पैट्रिसा एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपनी एक्चुअल एज से काफी बड़े दिख रहे थे। उधर कारा की भी सेम हालत थी, जो कि पहले 6 साल की बच्ची थी अब 12 साल की हो चुकी थी। इसी बीच चार्लोस बच्चों को देखकर एग्जामिन करता है कि शायद वो लोग किसी वायरस का शिकार हो गए हैं। तभी सडनली चार्ल्स के डॉग की भी डेथ हो जाती है, जिससे वो अपना दिमागी संतुलन एकदम खो देता है और अपना सारा गुस्सा सैडन पर निकाल देता है। वो उसके फेस पर एक नाइफ से अटैक करता है, जिससे उसके चेहरे में से ब्लड आने लग जाता है, पर कुछ ही सेकंड्स के लिए, क्योंकि देखते ही देखते वो घाव भर गया था। जिसके बाद सब लोग बहुत पैनिक करने लग जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते
करते हैं पर कोई भी नहीं निकल पाता। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि उन्हें तैर कर रिजॉर्ट वाले बीच तक पहुंचना होगा, पर कोई नहीं जानता था कि वो लोग रिजॉर्ट से कितना दूर हैं। सभी ये बातें डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी प्रेस्का बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उसका ट्यूमर जो सिर्फ 3 सेंटीमीटर था अब एक बड़ा तरबूज बन चुका है, जिसके लिए चार्ल्स कहता है कि उसकी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। और वहीं पे पड़े एक नाइफ से उसके पेट पर एक कट लगा देता है जो कि देखते ही देखते हील हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से एक बार कट लगाता है और वहाँ के सब लोग प्रेस्का की स्किन को पकड़कर उस ट्यूमर को बाहर निकाल देते हैं। और फॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि अब प्रेस्का बेटर फील कर रही थी। उधर चार्ल्स की नजर उस डेड बॉडी पर जाती है जो कि एक स्केलेटन में बदल चुका था। नेचुरली ऐसा होने में लगभग 7 साल लगते हैं, पर उन्हें तो यहाँ पर आए हुए अभी सिर्फ 3 ही घंटे हुए थे। सब इस सोच में डूब जाते हैं कि इतनी जल्दी उसका बॉडी डीकम्पोज कैसे हो गया, मगर इस मिस्ट्री को समझने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती कि सारा गेम यहाँ पर टाइम का है, जिसमें हर आधा घंटा 1 साल के बराबर है। सबकी उम्र बढ़ रही थी, उनके रिंकल्स आ रहे थे। उम्र बढ़ने की वजह से चार्लोस बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि सैडन उसे मारने वाला है। वहाँ इतनी इंटेंस सिचुएशन थी कि सबको अपने बच्चों की फिक्र होने लग जाती है। हम देखते हैं कि कायरा खा रही है और ऐसे जैसे उसने सालों से कुछ ना खाया हो, और जब हम उसके पेट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बच्चा ट्रेंड का था, अरे खेल खेल में हो गया उससे। दरअसल वो दोनों अपने बॉडी चेंजेस को मैनेज नहीं कर पाते, मगर अब क्या होगा क्योंकि कायरा को लेबर पेन शुरू हो गया था जिसमें वो एक बच्चे को जन्म देती है, पर उस बच्चे का ग्रोथ इतनी स्पीड से हो रहा था कि उसे फीड करने का भी वक्त नहीं मिलता, इसीलिए वो बच्चा भूखे पेट ही गुजर जाता है। यहाँ सिचुएशन एकदम हाथ से निकलता जा रहा था, सब लोग बुढ़े हो रहे थे। क्रिस्टल जो कि एक बेहद सुंदर लड़की थी, अब उसका चेहरा बुरी तरह से रिंकल से भर चुका था। सबसे बुरी हालत चार्ल्स की हो रखी थी क्योंकि वो इतना मेंटली अपसेट हो गया था कि उसने सैडन का मर्डर कर दिया, जिससे सभी डर जाते हैं क्योंकि उनके बीच में अब एक मर्डरर भी है। इस सिचुएशन को देखते हुए जेरिन डिसाइड करता है कि वो समंदर में तैरकर रिसॉर्ट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। और यहाँ सब लोग डिस्कस करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन्हें एक क्लू मिलता है कि यहाँ पर आए हुए सारी फैमिलीज में कोई ना कोई बीमार है। कुछ तो कारण होगा कि उन्होंने सब बीमार लोगों को एक ही बीच में भेजा है। प्रेस्का को इस रिसॉर्ट के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट में पता चला था जो कि उसकी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्प्ले हो रहा था। वो लोग समझ गए थे कि ये पूरा खेल रेस्टोरेंट वालों का है क्योंकि उनका पूरा ट्रिप उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। इवन उन्होंने उनके पासपोर्ट भी ले लिए थे, जिससे रेस्टोरेंट वाले इजीली उनकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकते हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया था, तभी उन्हें जेनी की डेड बॉडी मिलती है। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था कि कायरा, जिसका दिमाग सिर्फ 6 साल का है, वो ये सब सह नहीं पाती, इसीलिए वो यहाँ से बचकर भागने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ने लग जाती है। पर थोड़ी ऊपर जाने के बाद उसे चक्कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर और वहीं मर जाती है। फ्रीसा, जिसे इतना तेज दौरा पड़ता है कि वो वहीं दम तोड़ देती है। अब सिर्फ गाय की फैमिली बची थी। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था, उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि गाय अपना विजन ऑलमोस्ट खो चुका था और प्रेस्का भी एक कान से बहरी हो चुकी थी। इस सब में बस एक ही चीज अच्छा होता है कि प्रेस्का और गाय काफी करीब आ जाते हैं। और इधर मेडिक्स और ट्रेंट कागज ढूंढने के लिए जाते हैं ताकि वो आग जला सके। तभी उन्हें एक डायरी मिलता है जो कि शायद उनसे पहले आए किसी विक्टिम की थी, जिसपे बहुत सारे लोगों के नाम और कॉन्टेक्ट्स लिखे हुए थे। तभी ट्रेंट की नजर एक दूर पड़ी चमकती हुई चीज पर जाती है जो कि शायद एक कैमरा है, मतलब कि उन पर कोई नजर रखा हुआ है। उधर चार्लोस गाय पर अटैक कर देता है और उसे नाइफ से स्टैब करने लग जाता है, पर प्रेस्का अपने बच्चों को सेव करते हुए चार्लोस पर ही अटैक कर देती है। उधर मेडिक्स और ट्रेंट एक केज में छुप जाते हैं जहां उन्हें किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये क्रिस्टल थी जिसकी बैक बोन एकदम बेंड हो गई और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। फाइनली जब वो मरती है तो वो एक ऑक्टोपस जैसी दिखाई देती है। उधर प्रेस्का और गाय भी नेचुरली इस दुनिया को छोड़ गए थे। अब इस डरावने बीच पर सिर्फ मेडिक्स और ट्रेंट ही बचे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मेडिक्स काफी बुढ़ी हो गई
हैं। उनके पास अपनी मौत का वेट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो दोनों टाइम पास करने के लिए सैंड कैसल बनाने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी बच्चा है। तभी टेरेंस को अपने रिजॉर्ट पर बने हुए दोस्त की सीक्रेट लैंग्वेज में लिखी हुई लेटर के बारे में याद आता है। वो तुरंत समझ आता है, इसलिए दोनों कोरल रिफ्ट पर चढ़ने लग जाते हैं। पर बीच में ही मेडिक्स की ड्रेस फंस जाती है और उसकी सांस भी फूलने लग जाती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इन पर नजर रखे हुए था, जिसने इस आइलैंड के चारों ओर कैमरास इंस्टॉल कर रखे थे, जो अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि बीच पर सब लोग मर गए हैं। एक लैब में जाता है जो कि एक रिसर्च प्लेस है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये लोग उस बीच को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। ये बस उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं और उनकी ड्रिंक में अपने एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन को मिला देते हैं और उन्हें उस बीच पर भेज देते हैं, क्योंकि वहां का टाइम साइकिल काफी तेज है, जिससे इनको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिल जाते हैं। ये उनका 73rd एक्सपेरिमेंट। फाइनली एप्लीपे का मेडिसिन मिल जाता है, क्योंकि पेट्रिसा को कंटिन्यू 8 घंटों तक कोई भी दौरा नहीं पड़ा था, पर इन रियल लाइफ ये मेडिसिन किसी को 16 साल के लिए क्योर कर सकती है। यहाँ सब लोग अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी न्यूज मिलता है कि मेडिक्स और ट्रेस अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारे हर्डल्स को पार करके रिजॉर्ट तक का सफर तय कर लिया था और साथ ही वो लाए थे उस डायरी को। दोनों मिलकर उस डायरी को एक पुलिस ऑफिसर के पास ले जाते। पहले तो पुलिस ऑफिसर उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, पर जब पुलिस ऑफिसर उन कॉन्टेक्ट्स को क्रॉस चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये मेंशन किया गया है कि ये सारे लोग सडनली लापता हो गए थे, जिसके बाद वो उस होटल पर रेड मार देता है। फाइनली मेडिक्स और ट्रेस उस रिजॉर्ट वाले दोस्त को थैंक यू करते हैं, क्योंकि आज वो जिंदा थे तो सिर्फ उसकी वजह से। पर उस बीच की टाइमलाइन आज तक एक मिस्ट्री है, शायद ये कुदरत का कोई रचा हुआ खेल हो। खैर, मूवी यही समाप्त हो जाती है।